Hello everyone and welcome back to Plus Minus. This is Anjali and today we are going to do previous year vocabs, जो कि हमारी vocabs की है fifth class और इस class में हम वही pattern follow करने वाले हैं. 5 आपके synonyms, 5 antonyms, 5 idiom phrases and 5 word substitutions. Total 20 questions, जो कि आपके completely previous year based हैं. ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक. वीडियोस के अपडेट्स के लिए प्लस TSSSB की अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो. तो क्वेश्चन आपका लिया गया है जूनियर असिस्टेंट 2021 से और आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम. वर्ड है आपके पास विहमेंट. तो विहमेंट का मीनिंग क्या होता है? vehement का मीनिंग होता है जोशीला. जोशीला जो आपका उग्र होता है, जोश से भरा होता है, उत्सुक होता है, उसको आप क्या कहते हैं? vehement. eager, इसके लिए आपके synonyms होते हैं eager, keen. तो ये थे आपके vehement. अब आते हैं ऑप्शंस पे. फर्स्ट वन इज ardent. ardent भी आपका क्या होता है? जोशीला. ये भी vehement का सिनोनिम है. नेक्स्ट वन इज gentle. gentle क्या होता है? शांत. मीन्स आराम से कोई काम, या फिर आराम से कोई काम करने वाला, gentle, शांति से कोई काम करने वाला. fervent होता है आपका जोशीला. ये भी आपका vehement का सिनोनिम होता है. नेक्स्ट वन इज पोटेंट. पोटेंट क्या होता है? पोटेंट होता है पावरफुल, शक्तिशाली, पावरफुल. शक्तिशाली, इसको आप क्या बोलते हैं? पोटेंट. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी. ये है जेंटल. वेहमेंट जोशीला और जेंटल शांत. तो आपका एंटोनिम क्या है? बी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन, यहाँ भी आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है और ये आपका LDC का क्वेश्चन है, 2019 से लिया गया है. वर्ड है आपके पास एडजंक्ट. एडजंक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ से जुड़ी हुई है, उसको आप एडजंक्ट बोलते हैं, जिसका मीनिंग आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं एडिक, मीन्स जुड़ा हुआ. तो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट वन इज एडिक. एडिड आपका एजेंट का ही सिनोनिम है, ये जुड़ा हुआ. नेक्स्ट वन इज फॉर्चून. फॉर्चून क्या होता है? आपका भाग्य, फेट. फॉर्चून इज फेट, किस्मत बोलते हैं ना, उसकी किस्मत अच्छी थी, नौकरी लग गई, तो दैट इज फॉर्चून. नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्टेड. सब्ट्रैक्टेड क्या हुआ होता है? किसी से घटाया हुआ, मीन्स एडिड होता है जुड़ा हुआ, ये होता है घटाया हुआ. तो नेक्स्ट वन इज फॉरगिव. फॉरगिव क्या होता है? किसी को माफ करना, माफी देना. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड वन, क्योंकि आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है. एडजेंट को आप क्या कह सकते हैं? जुड़ा हुआ किसी से, उसका जो सिनोनिम हो जाता है वो एडिड. तो एडिड का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा आपका? सब्ट्रैक्टेड. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सब्ट्रैक्टेड. नेक्स्ट वन, यहाँ पर फिर से आपका एंटोनिम फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट का और वर्ड है टेम्पेस्टुअस. टेम्पेस्टुअस ये क्या होता है? टेम्पेस्टुअस होता है आपका फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस. फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो पूरी तरह इमोशंस से भरा होता है, उसको आप क्या बोलते हो? टेम्पेस्टुअस. तो ये आपका टेम्पेस्टुअस. टेम्पेस्ट, आपको एक वर्ड पता है ना, टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट क्या होता है? तूफान. उसी तरह टेम्पेस्टुअस, इसके अंदर भी इमोशंस का तूफान होता है, ये भी तूफानी होता है. तो टेम्पेस्टुअस भी फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस. ऑप्शंस पर आते हैं. फर्स्ट वन इज अपैथेटिक. अपैथेटिक, अपैथेटिक क्या होता है? अपैथेटिक होता है विदाउट एनी इमोशन, इसमें कोई इमोशन ही नहीं होता. विदाउट एन इमोशन, उदासीन, जैसे बोलते हैं ना किसी को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, इमोशन ही नहीं है, दैट इज अपैथेटिक.
उदासीन, हिंदी में आप इसको उदासीन भी बोलते हैं, किसी चीज से फर्क ही ना पड़ना। नेक्स्ट वन इज फ्यूरियस। फ्यूरियस क्या होता है? एंग्री। फ्यूरियस इज एंग्री, क्रोध, जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, दैट इज फ्यूरियस। निफेरियस, निफेरियस होता है आपका बदनाम। जो इम्पायस, इसको आप इम्पायस भी बोल सकते हैं, जो ऐसे कुछ काम करता है या फिर ऐसी कोई चीज जो निफेरियस, जो बदनाम होती है, उसको आप क्या बोलते हो? निफेरियस। इम्पैशन क्या होता है? इम्पैशन होता है बहुत ही उत्सुक, किसी चीज को बहुत ही उत्सुकता से करना, दैट इज इम्पैशन। तो इम्पैशन, उत्सुक। आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, ऑप्शन ए, अपैथेटिक। टेम्पेस्टुअस, आपका इमोशन से भरा, जोशीला, जो तूफानी होता है उनसे भरा। और अपैथेटिक आपका क्या है? विदाउट एनी इमोशन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? अपैथेटिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन है आपका एलडीसी का, वर्ड है अफेस। अफेस क्या होता है? अफेस होता है टू रिमूव समथिंग, किसी चीज को मिटा देना, वो क्या होता है आपका? अफेस, टू रिमूव समथिंग। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज मेंटेन। मेंटेन क्या होता है? किसी चीज को अच्छे से रखना, किसी चीज का रख रखाव करना, किसी चीज को सुरक्षित रखना, वो क्या होता है आपका? मेंटेन। टू प्रिजर्व, इसका सिनोनिम हो सकता है प्रिजर्व या फिर प्रोटेक्ट, ये आपके मेंटेन के सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेन। अनसर्टेन क्या होता है? अनसर्टेन होता है जिस चीज के बारे में आपको पता ना हो, अनिश्चित हो, उसको आप क्या कहते हैं? अनसर्टेन। तो अनसर्टेन के लिए आपका वर्ड हो सकता है डाउटफुल। नेक्स्ट वन इज सीज। सीज क्या होता है? रोकना, किसी चीज को स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना। जैसे सीज लेस मैंने पढ़ाया था, सीज लेस क्या होता है? किसी चीज को जारी रखना। ऐसे ही सीज होता है किसी चीज को रोकना, स्टॉप, फिनिश, एंड। ये क्या है आपके? सीज के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय भी क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, उसका नष्ट कर देना, उसको विनाश कर देना, इसके लिए सिनोनिम है आपका डिमोलिश। आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या है? मेंटेन, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अफेस क्या है आपका? किसी चीज को मिटाना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। मेंटेन क्या है? किसी चीज को प्रिजर्व करना, उसको सुरक्षित रखना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट वन। अनसर्टेन के लिए आप अननोन, ये भी यूज कर सकते हैं। डाउटफुल और अननोन दोनों इसके सिनोनिम्स होते हैं। डाउटफुल की थोड़ी सी जो आपकी सेंस होती है वो थोड़ी सी अलग चली जाती है। अनसर्टेन, अननोन, जिसके बारे में आपको पता ना हो। नेक्स्ट वन, आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन आपका पर्सनल असिस्टेंट का है, एंड वर्ड क्या है आपके पास? कंपोज। कंपोज क्या होता है? किसी चीज को बनाना। जैसे आप जब भी ईमेल होता है, जो उसमें अगर किसी को आपको ईमेल सेंड करना है, तो आप कंपोज, जो आपका वहां पर लिंक होता है उस पर जाते हो और ईमेल को कंपोज करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? ईमेल को बना रहे हो। तो कंपोज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बनाना, दैट इज कंपोज। तो ऑप्शंस पे आते हैं, इसके लिए आप बोल सकते हो टू फॉर्म। ऑप्शंस है, फर्स्ट वन इज फॉर्म। फॉर्म आपका सिडोनिम है कंपोज का। फॉर्म मीन्स बनाना, कंस्ट्रक्ट, अनदर वर्ड कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट। कलेक्ट क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना, दैट इज कलेक्ट। कलेक्ट के लिए आपका सिनोनिम हो सकता है गैदर। नेक्स्ट वन बिल्ड। बिल्ड आपका कंस्ट्रक्ट, फॉर्म, इनका ही सिनोनिम है, किसी चीज को बनाना, तो कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट वन रेज। रेज क्या होता है? किसी चीज को मिटा देना, टू डेस्ट्रॉय समथिंग, क्या होता है? टू डेस्ट्रॉय समथिंग, ये क्या होता है? किसी चीज को मिटा देना।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि कंपोज होता है किसी चीज को बनाना और रेज होता है किसी चीज को मिटा देना। नेक्स्ट वन, सिनोनिम फाइंड आउट करना है। जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है और वर्ड है आपके पास चर्लिस। चर्लिस क्या होता है? चर्लिस होता है इल मैनर्ड, जिसे बात करने की तमीज नहीं होती। अक्खड़, हिंदी में एक वर्ड होता है अक्खड़, ये होता है आपका चर्लिस, रूड, इल मैनर्ड। तो रूड एंड इन मैनर्ड आपका चर्लिस। जैसे चाइल्डिश होता है ना, हम बोलते हैं चाइल्डिश, में कुछ भी बोल देता है बचपने में, बात करने की तमीज नहीं होती। चाइल्डिश से आप याद कर सकते हैं चर्लिस। चर्लिस क्या होता है? रूड, इल मैनर्ड, जिसे बात करने की तमीज नहीं हो सकती। इसको आप गवार के सेंस में भी ले सकते हैं, अक्खड़ जो लोग होते हैं वो, या फिर अनकाउट, इसके लिए सिनोनिम एक और अनकाउट भी बन सकता है। तो ये होता है आपका चर्लिस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट वन इज रिलीजियस। रिलीजियस क्या होता है? पायस, पवित्र, रेवरेंट, इसके लिए सिनोनिम बन सकता है आपका रेवरेंट, आदर करने योग्य, श्रद्धा योग्य, तो उसको आप क्या बोलते हो? रेवरेंट। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, पवित्र, दैट इज रिलीजियस। सलन क्या होता है? सलन आपका उदास, चिड़चिड़ा, इरिटेटेड, जो उदास होकर चिड़चिड़ा हो जाता है उसको आप क्या बोलते हो? सलन। नेक्स्ट वन, एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट क्या होता है आपका? ज्यादा, एक्सेसिव, मीन्स किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, वो होता है आपका एक्सोर्बिटेंट। नेक्स्ट वन इज रिफाइंड। रिफाइंड क्या होता है? शुद्ध, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, मीन्स सनफ्लावर ऑयल, जो आप इम्प्योरिटीज को हटा के जो ऑयल बनाते हैं या कोई भी चीज़ में से जो इम्प्योरिटीज हटाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? रिफाइंड, उसको जो शुद्ध बनाते हैं, इसके लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं आपके प्योर। तो ये है आपका रिफाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है आपका? सलन। क्या होता है? जब कोई चिड़चिड़ा उदास होता है तो वो सही से बात नहीं करता, उसकी जो मिजाज हो जाता है वो बदमिजाजी करने लग जाता है। तो ये आपका इन ऑप्शंस में से, जो गिवन ऑप्शंस में से है, उसमें से जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है सलन। चर्लिस वही होता है, इल मैनर्ड, जिसे बात करने की तमीज नहीं होती, और सलन भी, जब कोई इरिटेटेड होता है उसका बात करने का मन नहीं होता है तो वो बदमिजाज हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप सलन को करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, दैट इज सलन। नेक्स्ट वन इज वेन। वेन क्या? आपको वर्ड वेन फाइंड आउट करना है और एलडीसी का क्वेश्चन है। वेन इज किसी चीज का कम होना, तो इसका सिनोनिम हो सकता है आपका डिक्रीज। किसी चीज का कम होना, वीक होना, शीन होना, ये आपका क्या होता है? वेन। अब वेन का ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीज। इंक्रीज क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना, ग्रोथ होना, तो इसका सिनोनिम हो जाता है आपका ग्रोथ। किसी चीज में ग्रोथ होना, उसका इंक्रीज होना, वो आता है आपका इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज राइज। राइज भी आपका क्या होता है? राइज भी आपका ग्रोथ, किसी चीज का आगे बढ़ना, किसी चीज में ग्रोथ होना। स्टेबल। स्टेबल क्या होता है आपका? स्थिर, फर्म, नॉट चेंजिंग, जो चीज़ें स्टेबल होती हैं, सॉलिड होती हैं, मीन्स वो ऐसी की ऐसी कंसिस्टेंट, इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप कंसिस्टेंट, मीन्स उनमें कोई चेंज नहीं होता, तो वो होती है आपकी स्टेबल। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है? डिक्लाइन भी आपका डिक्रीज होता है, किसी चीज़ में कमी होना, ये भी आपका डिक्रीज का ही सिनोनिम है। डिक्रीज, रिड्यूस, तो ये क्या है आपके? डिक्लाइन के सिनोनिम्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका सिनोनिम फाइंड आउट करना था, तो आपका फोर्थ वन ही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वेन भी होता है आपका डिक्रीज होना, किसी चीज़ में कमी होना, रिड्यूस होना, वैसे ही डिक्लाइन भी आपका किसी चीज़ में कमी होना, रिड्यूस होना। नेक्स्ट वन सिनोनिम ही फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन है एलडीसी का और वर्ड है मर्थ। मर्थ क्या है? मर्थ होता है खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस।
ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज जॉय। जॉय भी आपका क्या होता है, खुशी, हैप्पीनेस, ये भी आपका हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन इज पेन। पेन क्या होता है, दर्द, किसी चीज का पेन होना, मीन्स कष्ट होना, आप बोल सकते हैं डिस्ट्रेस या फिर सोरो, दर्द, ये क्या होता है आपका, पेन। नेक्स्ट वन इज वर्क। वर्क काम आपका, जो आप काम करते हैं, दैट इज वर्क। नेक्स्ट वन इज वो क्या होता है आपका, वो भी आपका कष्ट होता है, डिस्ट्रेस होता है, सोरो होता है, डिस्ट्रेस, सोरो, सैडनेस, ये सब आपके क्या होते हैं, वो होते हैं, वो के सिनोनिम्स होते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट वन बनेगा, जो जो है आपका मर्थ का सिनोनिम। जॉय मीन्स हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन इज सिनोनिम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है एलडीसी का और वर्ड है आपका एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग क्या होता है, एपेटाइजिंग होता है कुछ, ये आपका फूड के लिए यूज होता है, कोई ऐसा फूड जिसकी जो सुगंध है या जो कुछ भी है, महक है, स्वाद है, उसका टेस्ट है, वो आपको अट्रैक्ट करता है, वो आपको प्लीजिंग लगता है, तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फूड के लिए, ये आपका एपेटाइजिंग होता है, जिससे आपकी भूख बढ़ जाती है, जिसको देखते ही, कई बार होता है ना कुछ ऐसा फूड, कुछ ऐसा खाना होता है घर में, ऐसा कुछ खाना मम्मी का आपका फेवरेट बनाती है, तो आपकी भूख बढ़ जाती है, तो उस खाने को आप एपेटाइजिंग बोलेंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट वन इज प्लीजिंग। प्लीजिंग जिससे आपको खुशी मिलती है, तो खुशी मिलती है तो वो भी आपका अट्रैक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टीडियस। टीडियस क्या होता है, उबाऊ, अनइंटरेस्टेड और डल, बोरिंग, इसको आप क्या कहते हैं, टीडियस। मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स पिघलाना, तो मेल्टिंग क्या होता है आपका, पिघलाना, जब ये सिर्फ क्या होता है, आइस मेल्ट करने के लिए यूज नहीं होता, जब आप किसी के हृदय को पिघला देते हैं, मीन्स कोई गुस्से में है और उसको सॉफ्टन कर देते हैं, तो उसको भी आप मेल्टिंग बोलते हैं, तो ये आपका सिनोनिम बनता है सॉफ्टन। किसी को गुस्सा है तो उसके गुस्से को शांत करना, उसको सॉफ्ट करना, दैट इज मेल्टिंग, तो उसको भी आप सॉफ्टन, इसका सिनोनिम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है, जो दूर करता है किसी चीज से, रिपल्सिव जिससे आप दूर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपको दूर करता है, उस चीज को आप क्या कहते हैं, रिपल्सिव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट वन प्लीजिंग। एपेटाइजिंग का जो सिनोनिम बनेगा आपका प्लीजिंग। नेक्स्ट वन सिनोनिम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आपका एलडीसी का है, वर्ड आपका परटर्ब है। परटर्ब क्या होता है, किसी को परेशान करना, टू वरी सम, टू वरी समवन, किसी को परेशान करना, उसको ट्रबल करना, वो क्या होता है आपका, परटर्ब। ऑप्शंस है, फर्स्ट वन इज स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है, होशियार, इंटेलिजेंट, दैट इज स्मार्ट। नेक्स्ट वन इज वरी। वरी आपका वही, किसी को ट्रबल करना, इसके लिए सिनोनिम हो सकता है ट्रबल, परेशान करना। नेक्स्ट वन फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है, नॉट चेंजिंग, जिसमें आप चेंज नहीं करते हैं, वो चीज फिक्स्ड है, फर्म है, स्ट्रोंग है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टेबल है, तो नो चेंजिंग, दैट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट वन हैप्पी। हैप्पी क्या होता है, जॉयफुल, खुश, तो वो होता है आपका हैप्पी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड वन। आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है और पर्टर्ब आपका होता है किसी को परेशान करना, उसी तरह आपका वरी भी होता है किसी को परेशान करना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक आपने क्या किया, अब तक आपने एंटोनिम और सिनोनिम्स किए, अब हम करने जा रहे हैं इडियम और फ्रेजेस। जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है जूनियर असिस्टेंट से और आपके पास जो इडियम है वो है हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स, अब क्या चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो इस वीक में क्या होता है, सब प्यार में डूब जाते हैं, मीन्स चाहे इस वीक के बाद एक दूसरे का कत्ल कर दें, बट इस वीक में सब प्यार में डूबे हुए होते हैं, सबको अपने लवर के लिए सब कुछ करना है,
कभी टैडी दे, कभी कुछ चॉकलेट दे, तो ये आपका होता हैड ओवर हील्स, प्यार में डूब जाना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, फोर्थ वन, दैट इज बीइंग कम्प्लीटली इन लव, पूरी तरह से प्यार में डूब जाना, वो क्या है आपका, हेड ओवर हील्स। नेक्स्ट वन एडियम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आपका एलडीसी का है और जो एडियम है वो है आपका टू टर्न द कवर। अब क्या है आपकी सक्सेस, जो आपकी जॉब है, जॉब के बीच में और आपके बीच में जो आपका एग्जाम है वो क्या है, कवर है, ठीक है, उसको आपको खोलना है और अपनी जॉब को ले लेना है। तो क्या होता है, वो आपके लिए मुसीबत है, तो उस मुसीबत को आपको पार करना है, उस मुसीबत का आपको टर्न करना है, खोलना है, वो कवर है, जो भी आपका एग्जाम एक कवर है उसको आपको खोलना है, तो मुसीबत को पार करना है। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, मुसीबत को पार कर लेना, टू टर्न द कवर। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट वन, टू पास द क्राइसिस, मुसीबत को पार कर लेना। तो याद रखना है जॉब के बीच में और आपके बीच में क्या है, एग्जाम जो है आपका वो मुसीबत है, उस मुसीबत को आपको खोलना है, पार करना है, तो डैट इज टू टर्न द कवर, और आप सब खोलेंगे, अपनी जॉब को लेंगे। नेक्स्ट वन इज आपका इडियम फाइंड आउट करना है, और इडियम आपके पास है बैंड ओवर बैकवर्ड्स। अब बैंड ओवर बैकवर्ड्स, एक तो आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, ठीक है, आप आगे की तरफ झुकते हैं, आसानी से झुकते हैं, और एक आपको पीछे की तरफ झुकना है, पीछे की तरफ झुकना है तो आपको दिक्कत होती है। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, आप पीछे की तरफ एक अनयूजुअल डिग्री की तरफ आपको झुकना है, तो आप एक हद तक ही झुक सकते हैं ना, ज़्यादा नहीं झुक सकते। तो बैंड ओवर बैकवर्ड्स क्या होता है, जो ज़्यादा झुक जाते हैं, जो अनयूजुअल डिग्री तक झुक जाते हैं, मीन्स जो आप किसी को प्लीज करने के लिए कुछ भी किसी भी डिग्री तक झुक जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, बैंड ओवर बैकवर्ड्स। ये आपका होता है टू ट्राई टू प्लीज और अकोमोडेट समवन टू एन अनयूजुअल डिग्री, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स किसी ऐसी डिग्री तक झुक जाना, किसी ऐसी मीन्स एक हद को पार कर देना, किसी को प्लीज करने के लिए या किसी का साथ देने के लिए किसी भी हद को पार कर देना। कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि वो ना किसी भी हद को पार कर जाते हैं अपने दोस्त का साथ देने के लिए, चाहे वो गलत है दोस्त या वो ठीक है, वो उसका साथ देने के लिए, उसके साथ रहने के लिए किसी भी हद तक पार कर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आप, बैंड ओवर बैकवर्ड्स। ये अच्छा भी हो सकता है, कई लोग होते हैं किसी की चापलूसी करने के लिए किसी भी हद तक पार कर जाते हैं, तो वो क्या होता है आपका, दोनों ही आपके बैंड ओवर बैकवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वन आपका इडियम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट का है, और इडियम आपका है स्टीयर अप अ ऑर्निट्स नेस्ट। ऑर्निट क्या होता है आपका, ये आपने की येलो वाली भी देखी होगी ना, एक तो आपकी मधुमक्खी होती है और एक आपकी होती है ततैया, जिसको हम ततैया बोलते हैं, येलो वाला, वो काटता है तो बहुत दर्द होता है, जब एक ही ततैया काटता है तो आपको इतना दर्द हो रहा है, तो जो ततैया का छत्ता है, जब स्टीयर अप मीन्स किसी चीज़ को हिलाना, मतलब आप ततैये के छत्ते को अगर छेड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मुसीबत बुला रहे हैं, तो इसका मीनिंग भी क्या होता है आपका, मुसीबत बुला लेना, दैट इज सी वन, प्रोवोक ट्रबल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, प्रोवोक ट्रबल। नेक्स्ट वन इज एडियम का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिया गया है जूनियर असिस्टेंट से, और एडियम है आपके पास बैक अगेंस्ट द वॉल। आपको क्या होता है, आपको किसी ने किडनैप कर लिया और एक दीवार से बांध दिया, तो वहां से आपका बच के निकलना मुश्किल हो जाता है, तो बैक अगेंस्ट द वॉल का मीनिंग भी यही होता है, एक ऐसी मुसीबत जिससे बचना मुश्किल होता है, वो क्या होता है आपका, बैक अगेंस्ट द वॉल। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी वन, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी वन, दैट इज बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। तो ये है आपका बैक अगेंस्ट द वॉल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब तक हमने एडियम्स किए, अब हम करेंगे वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एलडीसी से लिया गया है, और स्टेटमेंट है आपके पास रिलीज समवन फ्रॉम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को कर्तव्य से अपने मुक्त करना, तो उसको आप क्या कहते हैं, एक्सोनरेट। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है, किसी को मुक्त करना,
तो वो आपका होता है एक्सोनरेट। अदर ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोमोशन। प्रोमोशन क्या होता है पदों? उन्नति। क्या होता है? जब आप एक लेवल से आपको दूसरे अपर लेवल पे प्रमोट किया जाता है, अपर लेवल पे का जो पद है वो आपको दिया जाता है संभालने के लिए, तो उसको आप प्रमोशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या होता है? आपकी नियुक्ति। आपको जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि आपका अपॉइंट हो गए हैं, आप नियुक्त हो गए हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट। फोर्थ वन इज ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग क्या होता है? किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज को ज्वाइन करना, दैट इज ज्वाइनिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक्सोनरेट। किसी चीज से मुक्त करने में भी आप एक्सोनरेट को यूज करते हैं, सिर्फ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए नहीं, जैसे आपको चार्जेस से मुक्त किया जाता है वहां भी आप एक्सोनरेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है एलडीसी का, और स्टेटमेंट है आपके पास वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम। जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम अजय। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट वर्ड होता है ये आपका होता है इनविंसिबल। जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते, दैट इज इनविंसिबल। नेक्स्ट वन इज इलेसिबल। इलेसिबल क्या होता है? दैट कांट बी रीड, दैट कांट बी रेड। ये क्या होता है आपका? इलेसिबल, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, ये होता है आपका इलेजिबल। इनडेलिबल ये क्या होता है? दैट कांट बी रिमूव्ड, जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट कांट बी रिमूव्ड, ये होता है आपका इनडेलिबल। इनऑडिबल होता है आपका दैट कांट बी हर्ड, जिसको आप सुन नहीं सकते, दैट इज इनऑडिबल, दैट कांट बी हर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वन इनविंसिबल, वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम, जिसको आप जीत नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट का, और स्टेटमेंट है आपके पास अ स्मॉल पोर्शन और लिमिटेड क्वांटिटी, मीन्स थोड़ी मात्रा। तो थोड़ी मात्रा में कोई चीज होना या थोड़ी मात्रा होना किसी चीज की, तो उसको आप क्या कहते हैं? मोडिकम। तो आपका वर्ड जो होता है इसके लिए वो होता है मोडिकम। नेक्स्ट वन इज ऑनरस। ऑनरस क्या होता है? कोई मुश्किल जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की नीड हो, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर कोई ऐसी मुश्किल, या फिर कोई ऐसा कार्य जो मुश्किल है और जिसमें एफर्ट्स की जरूरत है, उसको आप क्या कहते हैं? ऑनरस। नेक्स्ट वन इज मुनिफिशियंट। मुनिफिशियंट क्या होता है? जनरस। जनरस, जनरस विद मनी, ये क्या होता है आपका? जनरस विथ मनी मीन्स उदार या फिर उदारतापूर्ण। ये आपका पर्सन और किसी भी थिंग दोनों के लिए यूज होता है, बट जो मनी से कनेक्टेड होता है, जो दयालु उदार होता है, बट किससे कनेक्टेड होता है आपका? मनी से। तो वो क्या होता है? मुनिफिशियंट। नेक्स्ट वन इज एंटायरिटी। आपने एक वर्ड एंटायरली पढ़ा है, एंटायरली क्या होता है? पूरी तरह से। वो क्या होता है आपका? एडवर्ब। उसी चीज की तरह एंटायरिटी होता है, एंटायरिटी आपका नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है पूर्णता, सब कुछ। तो ये होता है आपका एंटायरिटी। और ऑन क्या होता है आपका? डिफिकल्ट एंड नीड्स एफर्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मोडिकम। मोडिकम क्या होता है? लिमिटेड क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका एलडीसी का, और स्टेटमेंट है आपके पास अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, मीन्स हथियारों का और जो मिलिट्री, जो आपकी आर्मी में यूज होते हैं इक्विपमेंट, उनका शस्त्र का कलेक्शन, या फिर इसको आप शस्त्र गृह भी बोल सकते हैं, वो होता है आपका आर्सेनल। आर्सेनल इसके लिए वर्ड आप एक और यूज कर सकते हैं, आर्मरी, जो कि आपकी आर्मी के शस्त्र होते हैं, जो शस्त्रों की कलेक्शन होती है उसको आप आर्सेनल बोलते हैं। तो अदर ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट वन इज आर्चिव्स। आर्चिव्स क्या होता है? आर्चिव्स होता है जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन, उसको आप ऐतिहासिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन, उसको आप बोलते हो आर्चिव्स। नेक्स्ट वन इज अरीना। अरीना क्या होता है? अखाड़ा, इसको आप बोल सकते हो एमपी थिएटर। इसके लिए आप एम्पी थिएटर का भी यूज कर सकते हो, ये होता है आपका
अखाड़ा। नेक्स्ट वन इज क्रैश। क्रैश क्या होता है? क्रैश होता है जहाँ पर जो वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर रखती हैं, तो इसको आप केयर सेंटर भी बोल सकते हो। केयर सेंटर जो आपकी वर्किंग वुमेन है, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं तो वहाँ पर अपने बच्चों को रख सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? क्रैश। यहाँ पे कुछ आपको पेमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद अपने बच्चों को वहाँ आप काम पे, जिस टाइम आपको काम पे जाना है वहाँ छोड़ सकते हो। तो ये आपका होता है क्रैश। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है आपका जूनियर असिस्टेंट का, और स्टेटमेंट है आपके पास टू इम्पार्ट और सजेस्ट इन एन आर्टफुल और इनडायरेक्ट वे। मीन्स किसी चतुराई से या फिर किसी इशारे से किसी चीज़ को बताना या फिर कुछ सजेस्ट करना, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो इंसिनुएट। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है आपका इंसिनुएट। मीन्स सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो इशारा करना या संकेत से कुछ चीज़ समझाना, इसको आप क्या बोलते हो? इंसिनुएट। अदर ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज विदहोल्ड। विदहोल्ड क्या होता है? विदहोल्ड होता है रोकना, किसी चीज़ को देने से मना कर देना या फिर रोकना। इसके लिए आप होल्ड बैक भी यूज़ कर सकते हो। होल्ड बैक, किसी चीज़ को अपने पास रख लेना, देने से मना करना, रोकना, दैट इज विद होल्ड। नेक्स्ट वन इज कंसील। कंसील क्या होता है? किसी चीज़ को छिपाना, हाइड। ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं। विदहोल्ड क्या होता है? सबको पता होता है, छिपाया नहीं है आपने, बट आप उस चीज़ को दे नहीं रहे हो, देने से रोक रहे हो, किसी को देने से मना कर रहे हो, तो वो होता है आपका विदहोल्ड। कंसील होता है किसी को पता नहीं है, आपने किसी चीज़ को छिपाया हुआ है, तो वो होता है आपका कंसील। नेक्स्ट वन इज विदड्रॉ। विदड्रॉ क्या होता है? किसी चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्ट। जब आप बैंक जाते हो तो आप कैश विदड्रॉ करते हो, तो दैट इज कैश निकालते हो, तो विदड्रॉ आपका एक्सट्रैक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंसिनुएट। इंसिनुएट क्या होता है? इशारा करना या कोई चीज़ इशारे में समझाना या फिर एक चतुराई भरे तरीके से कोई चीज़ समझाना, तो उसको आप क्या बोलते हो? इंसिनुएट। तो ये थी आपकी आज की क्लास, यहाँ आपकी क्लास एंड होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।